बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विथ रूना। तो व्यूअर्स, बकरा ईद स्पेशल में आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता कबाब, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत कम वक्त में बन जाते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, तो इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया था, 5 से 6 अदद हरी मिर्च ले ली थी, उनको मैंने चॉपर में 1 से 2 बार पीस लिया था। मैंने इनको ज़्यादा नहीं पीसा था, क्योंकि जब मैं इसमें कीमा ऐड करूँगी तो फिर से पीसना पड़ेगा, तो उसमें ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब मैंने इसमें 1 kg कीमा ले लिया था, जो मैंने मशीन का कीमा करवा लिया था। अब मैं इसमें वो ऐड करूँगी। कीमे को आप बिल्कुल ड्राई कर लीजिएगा ताकि उसमें पानी ना रहे। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था मैंने, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून ज़ीरा कुटा हुआ, नमक हस्ब ज़ायका, 1 kg कीमा लिया था बीफ का, उसमें मैंने 4 टेबल स्पून भुने हुए चने भी ऐड किए थे, जिनको मैंने पहले से पीस लिया था। वीडियो मुझसे थोड़ी मिस हो गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें भुने हुए चने भी मिक्स किए थे। 2 नींबू का रस मैंने इसमें ऐड किया है। नींबू का रस ऐड करने के बाद हम हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कोफ्ता कबाब का मसाला हमारा काफ़ी अच्छे से पिस चुका है। अब इसके हम गोल गोल शेप में कोफ्ते बना लेंगे। व्यूअर्स, अब अलग से मैंने 1 शिमला मिर्च ले ली थी, 1 टमाटर और 1 प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की। उसको मैंने इस तरह कट करके हल्का सा नमक छिड़क के और उस पर मैंने आधा नींबू का रस ऐड कर दिया था, और टमाटर का गुदा मैंने निकाल लिया था। अब उनको मैंने मिक्स करके रख दिया है। अब व्यूअर्स, तब तक हम गोला कबाब फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, लेकिन जब पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। 10 मिनट तक तकरीबन लो फ्लेम पे हम कबाब फ्राई करेंगे। जब 10 मिनट हो जाएंगे फिर हम फ्लेम को तेज़ करेंगे ताकि कबाब में अच्छा कलर आ जाए। लेकिन व्यूअर्स, आप जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसे अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तकरीबन 12 से 15 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में। आप देखें कितना अच्छा कलर आ चुका है, माशाल्लाह गोला कबाब हमारे बहुत अच्छे फ्राई हो चुके हैं। ये बिल्कुल डन हो चुके हैं। अब फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, अब इसको कोयले का हम स्मोक देंगे। इसमें यह है कि बहुत बारबेक्यू इसमें अच्छी सी महक आ जाती है, कबाब खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब एक प्लेट में जिसमें हम डिश आउट करेंगे उसमें हम निकाल लेंगे सारे कबाब। व्यूअर्स, अब जो पैन था, अब उसमें जो हमने ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, नींबू और नमक लगा के रखा था, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल 1 मिनट से भी कम, ताकि ये जले ना या इनका कलर चेंज ना हो, क्योंकि फ्लेम मीडियम है। ये कुछ सेकंड्स में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे।
अब जो कोफ्ता कबाब हमने रेडी किए हैं उन पे बघार की तरह हम इस तरह उस डाल देंगे इसके ऊपर, तो इस तरह बहुत अच्छी लुक आ जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो व्यूअर्स आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।